असम एक बहुत ही अंडररेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अक्सर इसे लोग गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जानते हैं और इसे एक स्टॉपओवर के अलावा कोई ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता। बट असम को ऐसा ट्रीट करना थोड़ा गलत होगा। असम में बहुत सारे ऐसे एंशियंट और हिस्टोरिकल जगह है जिसे आपको लाइफ में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। और मेरी असम की इस जर्नी में मैंने गुवाहाटी के बाद डिसाइड किया था कि मैं एक बहुत ही एंशियंट सिटी जिसका नाम है शिवसागर उसे एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा अनोखा साम्राज्य था जिसने 600 साल तक इधर 19वीं सदी के अंत तक राज किया था। और यहाँ पे भारत का ओनली नोन और डिस्कवर्ड पिरामिड्स भी एग्जिस्ट करता है। क्यों लगा ना फैसिनेटिंग? वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि शिवसागर आपको पहुंचने का तरीका क्या है। शिवसागर आपको गुवाहाटी से लगभग 8-9 घंटे लगेंगे बाय रोड या ट्रेन, और बहुत सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस है। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। तो आज की मेरी जर्नी मुझे असम में लेके आई है, और असम में मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आया हूँ। ये जगह जो है इसका नाम है चिराईदेव, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे एक किंगडम यानी एक साम्राज्य ने लगभग 600 साल तक यहाँ पे राज किया था। और राज किया तो किया, ऐसा राज किया कि यहाँ पे किसी को भी उन्होंने कॉन्कर करने नहीं दिया। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है मैदाम। मैदाम मतलब आपको एक सिंपल टर्म्स में समझाओ तो वो एक पिरामिड होता है। और ऐसे मैदामों में जहाँ के रॉयल फैमिलीज और इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ फैमिली जो थे उनको यहाँ पे बरी किया जाता था, ये इनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस मानी जाती है। तो यहाँ पे जैसे पिरामिड्स में है, यहाँ पे भी आपको अंदर उनके राजा रानी या जो भी फैमिली मेम्बर्स के चहीते चीज़ें, सोने, ज्वेलरी, बहुत सारे अलग अलग आर्टिफैक्ट्स अंदर साथ में रखते थे। भले ये इजिप्ट के पिरामिड्स के इतने बड़े नहीं है, बट नंदलेस ये कल्चरली काफी सिग्निफिकेंट है हमारे कंट्री के लिए। अभी आपको एक मैदान जो है उसके अंदर लेके चलता हूं दिखाने कैसा है ये। देखिए ये ऐसा हुआ करता था, और ऊपर से पूरा ऐसा स्ट्रक्चर है। इधर एक एंट्रेंस दरवाजा रहता है, और इधर पूरा जो है बॉडी या बरियल चेम्बर है। ये आपको अलग अलग जगहों पे ऐसे छोटे खड्डे भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये कोशिश की है सुरंग बना के देखने के लिए कि अंदर क्या है। और बहुत सारे जगह यहाँ पे लूटे भी गए हैं। इंडिया की हिस्ट्री अब जितना भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो ना उतनी ही कम है, और यहाँ की हिस्ट्री तो उतनी ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। नॉर्थ ईस्ट तो हम लोग वैसे भी बहुत कम आते हैं और बहुत कम जानकारी जानते हैं, बट यहाँ पे आने के बाद ये जो पिरामिड्स देखें, हमने तो स्कूल में सिर्फ इजिप्ट के पिरामिड के बारे में पढ़े हैं, और यहाँ पे आने के बाद में पता चलता है कि इंडिया में अपना खुद का वर्जन है इस चीज़ों का। ये जान के बहुत अच्छा लगा, और इतना वेल प्रिजर्व्ड भी है। जी हाँ, ये लूटा गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय द मुगल्स एंड फिर ब्रिटिश ने, बट मोर और लेस ये आज भी एकदम ही वैसे का वैसा ही है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। और यहाँ पे आना बनता ही है, एक्सप्लोरेशन आपको ज़रूर करनी चाहिए टू रियली नो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो अभी मैं आया हूँ परहैप्स शिवसागर का सबसे मोस्ट रिकग्नाइजेबल लैंडमार्क पे, जो है यहाँ पे शिवादौल मंदिर। तो ये मंदिर जो है अहोम किंगडम के टाइम पे बनाया गया था, और वहाँ की महारानी अंबिका देवी ने ये मंदिर, जब पीछे जो तालाब है वो बनाते वक्त उन्होंने इसे भी साथ साथ में कंस्ट्रक्ट किया था। ये एक शिव जी का मंदिर है, और अंदर जाके चलिए अभी इसके दर्शन करके आते हैं। शिवादौल मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर का शिवलिंग जमीन के अंदर एक हॉलो डिप्रेशन में लोकेटेड है, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी काफी यूनिक है। इस मंदिर में पत्थर और ईंट दोनों का इस्तेमाल किया है इसे बनाने के लिए। और इसी मंदिर के कंपाउंड में आपको विष्णुदौल यानी विष्णु भगवान का मंदिर और देवीदौल देवी माता का मंदिर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। शिवादौल मंदिर के दर्शन करने के बाद आप चाहे तो रंग घर में आ सकते हैं। रंग घर की खासियत यह है कि ये एशिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एम्फीथिएटर है। यहाँ पे आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स के लिए यहाँ के अहोम राजाओं ने इसे बनाया था।
यहाँ पे जो मैदान आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये काफी फेमस था क्योंकि यहाँ पे राजा महाराजा अपने प्रजा के लिए ऑर्गेनाइज करते थे ढेर सारे अलग अलग स्पोर्टिंग एक्टिविटी, जैसे कि बुल फाइट, कॉक फाइट, एलिफेंट्स फाइट एंड बहुत सारे अलग जो है सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस भी यहाँ पे होते थे। यहाँ पे राजा हो, प्रजा हो, सब लोग ये जगह यूज़ करने आ सकते थे। और इसकी स्ट्रक्चर जो है ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, तो चलिए अभी इसे भी जाके एक्सप्लोर करते हैं। मेरा अगला स्टॉप जो है उसका नाम है तलातल घर। तलातल घर का लिटरल मीनिंग रहता है लेवल्स या फ्लोर्स। तो ये तलातल घर में आपको 7 माले मिलेंगे, पर उसमें आज के टाइम पे फिलहाल ओनली 4 एक्सेसिबल है जो ऊपर है। कहा जाता है कि नीचे के 3 माले जो है ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे उन्होंने उसको सील कर दिए थे। वैसे जो नीचे के 3 माले थे ये राजा यूज करते थे जस्ट इन केस अगर कोई सरप्राइज एनिमी अटैक हो जाए तो यहाँ से निकलने के लिए। 2 अलग अलग सुरंग है जो 2 अलग अलग जगह भी लेके जाते थे। कहा जाता है कि जब 17वीं सदी में यहाँ की नई राजधानी बनी थी अहोम किंगडम की, तो ये पैलेस यहाँ पे बनाया गया था। ये एक पैलेस एज वेल एज गोलाघर यानी आर्मरी भी है। आर्मरी इधर पीछे ही है बाजू के कंपाउंड में। तो चलिए अभी जो ऊपर के 4 माले हैं तलातल घर के जाके एक्सप्लोर करते हैं। अभी बाइक रेंटल की भी पूरी आपको कहानी बता देता हूँ कि बाइक रेंटल मैंने जोरहाट से ली है और मैंने ऑल राइडर्स करके एक जगह है सिटी सेंटर में उधर से ली है ये बाइक। इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 600 रुपीज़ पर डे। और बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगी कि ये जो कंपनी है ये आपको फुल टैंक करके देती है बाइक का, तो आपको जब रिटर्न देना है वापस से फुल करके ही देना है। तो इसके वजह से आपका जितना पेट्रोल जा रहा है आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता है वर्सेस अदर कंपनीज जो आपको 50 रुपये के पेट्रोल डाल के देते हैं, फिर आप अपने हिसाब से पेट्रोल भरते हो और अगर आपका पेट्रोल बच गया तो उसकी कोई कॉम्पनसेशन होती नहीं है। इसके लिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी सर्विस। 600 रुपीज़ ब्रांड न्यू बाइक एज वेल एज अनलिमिटेड किलोमीटर्स चलाने का आपका पूरा सहूलियत है। अगर आप जोरहाट में आ रहे हो और आपको एक्सप्लोर करना है तो उसके हिसाब से ये कंपनी बेस्ट है। इनका पूरा जो है बुकिंग डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चाहे तो चेकआउट करके उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, तो मैं अभी आपको यहाँ पे पहुँचना कैसे है उसकी जानकारी दे देता हूँ। तो देखिए, आपको इधर आने के लिए चिरायदे आना पड़ेगा। सबसे बड़े मैदान इधर ही है, तो आपको उससे सबसे क्लोजेस्ट स्टेशन पड़ेगा शिवसागर और मेजर सिटी जो पड़ेगी वो है जोरहाट। मैं पर्सनली जोरहाट में रह रहा हूँ, मैंने वहाँ पे मेरी होटल बुकिंग भी की है और वहाँ से ही मैं ड्राइव करके इधर आया हूँ। बाइक रेंटल मैंने सिटी सेंटर से ही ले ली, वहाँ पे मुझे 600 रुपीज़ भरना पड़ा फॉर 24 आवर्स एंड नो डिपॉजिट। और वहाँ से इधर तक आने के लिए लगभग 70 किलोमीटर्स है और मैंने वो डिस्टेंस कवर की 2.5 आवर्स के आसपास। रोड्स ठीक ठाक ही है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवेज है, बट बहुत सारे जगह पे हाईवे अपग्रेडेशन का काम भी चल रहा है तो ट्रैफिक थोड़ी स्लो मूव होती है और कई कई जगह पे आपको गाँव के बीचों से आना पड़ता है तो वहाँ पे भेड़ बकरियों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप शिव सागर में आते हो जहाँ पे मेन सारे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इस वीडियो के, वहाँ पे भी आप स्टे ले सकते हो और वहाँ से इधर एक्सप्लोर करने के लिए आप एक ऑटो या कोई प्राइवेट व्हीकल भी आप हायर करके घूम सकते हो। तो ये थी सारी वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट अगर कुछ क्वेरी हो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है। तभी तक मिलते हैं जल्द अगली जर्नी में। स्टे सेफ, ट्रैवलिंग बंदा आउट।